सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। और रात के 10:30 बजे हुए हैं और हमने रात में ही निकलना उचित समझा, क्योंकि रात में दिल्ली में भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा और ना ही ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक मिलेगा। इसलिए राइडर्स को बहुत सोच समझ के निकलना पड़ता है। दोस्तों ये देखिए जो पेरिफेरियल हाईवे है किस तरीके से सजाया हुआ है, और हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा की ओर। यमुना एक्सप्रेस हाईवे से हम लोग आगरा तक का सफ़र तय करेंगे, जिसकी दूरी है 165 किलोमीटर। और दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं यमुना और ताज एक्सप्रेस हाईवे, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और हम लोग रात्रि में ही यहां से निकले। इसे 2012 में इसको शुरुआत की गई थी, ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे की। बहुत ही शानदार जानदार बना हुआ है दोस्तों। इस एक्सप्रेस हाईवे का ये खासियत है कि इस हाईवे पर, इस यहाँ पर जो टोल है, यहाँ पर बाइक का भी टोल देना पड़ता है आपको। तो बाइक का टोल आगरा तक 205 रुपये पड़ता है दोस्तों। 205 रुपये आपको बाइक टोल देकर आप आगरा तक का सफ़र तय कर सकते हैं। ये देखिए रात में लाइट कितनी ही बेहतर लग रही है, क्योंकि एलईडी लाइट्स हमने स्पेशल लगवाई थी अपनी बाइक में, और एलईडी बल्ब भी बीच का भी वो चेंज किया था। तो रात में नाइट राइड करने के लिए आपको इस तरीके से करना पड़ता। और हम पहुंच चुके हैं आगरा। ऊपर से दोस्तों ट्रेन गुजरती है, उसके नीचे से हम लोग जा रहे हैं। हालांकि बड़ा ही डर लग रहा था, लेकिन फिर भी ईश्वर का नाम लेते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग ग्वालियर क्रॉस करने के बाद हम लोग शिवपुरी पहुँच चुके हैं। शिवपुरी यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे लिया ताकि हमारी बाइक को भी आराम मिले। और ये देखिए हमने बाइक को इस तरीके से बंजी कोर्ड से आगे बैग बांधा और पीछे सडल बैग बांधा हुआ है। और बहुत ही प्यारा हाईवे है दोस्तों, मक्खन जैसा हाईवे है। लेकिन एक बड़े अफसोस के बाद साथ में कहना पड़ रहा है कि जिस गाय को हम माता के रूप में मानते हैं, इस एक्सप्रेस हाईवे पर बहुत सारी गौ माता बहुत मरी हुई अवस्था में मिली, क्योंकि ट्रक से यहाँ पर टकरा कर वो ख़त्म हो जाती हैं। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गुना सिटी एमपी में। तो दोस्तों यहाँ से जो इंदौर है, यहाँ से करीबन आप ये देख सकते हैं 291 किलोमीटर है, 291 किलोमीटर। और हम लोग पहुँच चुके हैं उज्जैन, श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन। तो उज्जैन के मंदिर के द्वार पर हम लोग पहुँच चुके हैं। ये टीवी में भी आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्लर हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग के दौरान। और ये सामने आप महाकालेश्वर जी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से मेन महाकालेश्वर को माना जाता है, क्योंकि बाकी सभी उत्तरी मुखी हैं, ये दक्षिण मुखी हैं। और अब हम दोस्तों आपको लिए चल रहे हैं जय संतोषी माता मंदिर, जहाँ पर 1975 में आई थी ये फिल्म जय संतोषी माँ की शूटिंग यहाँ पर उज्जैन में की गई थी दोस्तों। और एक और फिल्म की शूटिंग उज्जैन में की गई थी, जो कि मंगल सूत्र नाम से, जिसमें कि रेखा ने अभिनय किया था, उसमें महाकालेश्वर जी का चित्रण दिखाया गया था। और अब हम पहुँच चुके हैं रामघाट, जहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र इसे कहा जाता है, जो कि शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है दोस्तों। उज्जैन शहर, यहीं पर पूरा कुंभ मेला लगता है और यहीं पर लोग स्नान करके अपने पापों से मुक्त होते हैं। देखिए ये हम आपको वाइड शॉट दिखा रहे हैं यहाँ से। बहुत अभी बारिश की ऋतु में जो शिप्रा नदी है बिल्कुल लगातार बहते रहती है, हालांकि इसका उफान से इतने ऊंचाइयों तक आ सकती है जहाँ हम खड़े हुए हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं श्री काल भैरव टेम्पल उज्जैन, जो कि पूरे संसार भर में प्रख्यात है दोस्तों। यहाँ पर आपको यकीन माने या ना माने, यहाँ शराब का चरणामृत मिलता है,
अल्कोहल का चरणामृत दिया जाता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं। यहाँ पर शराब चढ़ाई जाती है काल भैरव जी को, और वो ही चरणामृत जो आने जाने वाले लोग हैं और उनको दिया जाता है। और यहीं पास ही में पाताल भैरवी का मंदिर है, जो पाताल भैरवी फिल्म आपने देखी होगी, उज्जैन का नाम उसमें बहुत बार लिया गया था दोस्तों। और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं उज्जैन से, अब हम जा रहे हैं दोस्तों इंदौर। इंदौर उज्जैन से करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम यहाँ इंदौर एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है, और बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट बना दिया गया है दोस्तों। ये सलमान खान साहब का जन्म यहीं इंदौर में हुआ था, उसके पिक्स हम आप लोगों को दिखा रहे हैं जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, क्योंकि इंदौर में काफ़ी ट्रैफिक होने के कारण हम उस जगह नहीं पहुँच पाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब व्यक्ति बाइक से ट्रेवल करता है तो काफ़ी टायर्ड हो जाता है, वो भीड़ से बचने की कोशिश किया करता है दोस्तों। ये एयरपोर्ट दिखा रहे हैं हम, इंदौर का एयरपोर्ट बहुत ही विशाल, काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। और दोस्तों ये है सलमान खान साहब का जन्म, इंदौर में हुआ था 27 दिसंबर 1965 को। और जो प्यार किया तो डरना क्या, इसकी शूटिंग हुई थी दिल्ली कॉलेज में। ये इसके चित्र हम आपको दिखा रहे हैं, इंदौर में समय समय पर सलमान खान साहब आते रहते हैं और अपनी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर करते रहते हैं, क्योंकि बचपन से जिस शहर से आप जुड़े हो वहाँ के लोगों को भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि पुरानी यादें रहती हैं। भले ही आप कितने बड़े बन जाए लेकिन आप अपने जन्म भूमि को नहीं भूलते हैं जिसमें आपने जन्म लिया है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जा रहे हैं महेश्वर। ये नर्मदा नदी आप देख रहे हैं, ये महेश्वर पर ही स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग आपने की देखी होगी महेश्वर में, हम वहाँ के चित्र भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये महेश्वर का जो वहाँ का जो किला है बहुत ही फेमस है। आपने यमला पगला दीवाना और अभी दबंग 3 की शूटिंग यहाँ पर फिलहाल में हुई है, और पैडमैन जैसी फिल्म ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, ये यहाँ का किला है। यहाँ पर यमला पगला दीवाना और सलमान खान साहब की आने वाली फिल्म दबंग 3 और ये शूटिंग का दृश्य आप देख सकते हैं, दबंग 3 का इस तरह से यहाँ पर शूटिंग की गई थी। और ये तेवर फिल्म की शूटिंग का सोनाक्षी सिन्हा का शॉट हम दिखा रहे हैं, और ये पैडमैन अक्षय कुमार साहब ने यहाँ पर आकर शूटिंग की थी, जिसके भी ये देखिए आप, ये देख सकते हैं यहाँ पर पैडमैन अक्षय कुमार साहब ने भी अपनी फिल्म की शूटिंग यहाँ की थी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको, मजा आया ना, तो देखते रहिए दोस्तों। गाइस हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं उज्जैन से मुंबई। अभी हम लोग का मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई का ये टूर बस खत्म होएगा थोड़ी देर में। अभी हम लोग ने क्रॉस किया है महेश्वर और धूले पहुँचने वाले हैं, फिर धूले से मालेगांव, फिर मालेगांव से नासिक, फिर नासिक से मुंबई, आमची मुंबई। अभी गाइस देखो हम हाईवे पे ऐसे लेटे बाइक, आप देखो बाइक रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स में आ गए अभी हम, ये गियर्स वियर्स हाथ में बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। हाईवे एक नंबर है, आप भी घूमो ऐसे बहुत मज़ा आएगा आपको, इतना मक्खन हाईवे कि आप आराम से 100-150 की स्पीड पे आराम से जा सकते हो, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। तो अभी हम थोड़े से रेस्ट कर रहे हैं, थक गए थे। और आप कुछ बोलोगे? चलो भाई सारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, और ऐसे ही प्यार आप लोग बरसाते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, क्योंकि हमें घूमने का बहुत शौक है, और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से हम घूमते हैं पूरी दुनिया, जितने लोग हैं अगर वो नहीं ट्रैवल कर सकते तो घर बैठ के तो आप लोग देख ही सकते हो ना,
बाइक से किस तरह से ट्रेवल किया जाता है दोस्तों। जल्दी मिलते हैं गाइस आपको हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे जाके हम आपको बताते हैं हम कहाँ पहुँचे। अभी यहाँ से हम निकलते हैं, ठीक है गाइस। आगे अब हम बताते हैं आपको रोड के आपको दिखाएंगे जिधर इधर। तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश का बॉर्डर, यहाँ पर समाप्त हो जाता है MP की बॉर्डर और यहाँ से आगे अब हम आगे बढ़ रहे हैं खूबसूरत वादियों के बीच में। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वातावरण बहुत ही अद्भुत है यहाँ का। ये देखिए बहुत ही पहाड़ बिल्कुल ग्रीन दिख रहे हैं, हरे भरे दिख रहे हैं और जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है क्योंकि बाइक पर चल रहे हैं तो हवा जब शुद्ध हवा जब आप लेते हो तो बहुत ही अच्छा महसूस करते हो, खासकर आपके दिल गुर्दे फेफड़े बिल्कुल आनंद में हो जाते हैं। तो गाइस अभी हम इस ढाबे पे रुके थे खाना खाने के लिए और अभी यहाँ से हम जाएंगे, अभी फिलहाल नासिक में एक स्टॉप रहेगा हम लोग का और फिर उसके बाद यहाँ से तो अभी हम धूले से कुछ 30 किलोमीटर दूर है, फिर हम आ जाएंगे। जैसे कि आप ये व्यूज देख सकते हैं मेरे पीछे, इतना सुंदर है पीछे मेरे पूरे पहाड़ी पहाड़ है सब जगह। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है हमें, अभी हमने खाना खाया, इधर स्टॉप लिया था हमने इस ढाबे पे, ये ढाबे आप देख सकते हो। तो गाइस अभी आप हमारे साथ रेडी रहो, हम यहाँ से हम जाएंगे अभी नासिक के लिए, फिर नासिक से हम मुंबई, तो हमारा पूरा टूर हो जाएगा मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई। गाइस फर्स्ट टूर मेरा, पापा का तो बहुत बार हो चुका है, पापा तो पूरे अपने RX 100 से पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी कर चुके हैं उनके ज़माने में, तो अभी पापा मुझे करा रहे। सो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है, बस आपका प्यार चाहिए गाइस। हम आपको अगर आप नहीं घूम पाते हो तो हम आपको ऐसा दिखा रहे, तो आपको अगर हमारा वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ अगर आप वीडियो हमारा देखते हो पूरा सब्सक्राइब करके जाइएगा। जैसा आपको लगता है आप ओपिनियन दे सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में गाइस, वो आपकी इच्छा और बाकी आपका प्यार है हमारे साथ तो हम चल रहे, आप हो तो हम हैं तो चल रही है गाड़ी। ठीक है गाइस चलो जल्दी मिलते हैं, फिर अभी यहाँ से हम नासिक जा रहे डायरेक्ट, आपको बीच में अब रूट दिखाते हैं। ओके गाइस बाय। गाइस ये हमारे पीछे सब्सक्राइबर्स हमें मिले, ये आप देख सकते हैं छोटे बड़े, बहुत अच्छा लगा इन सब लोगों से मिलके। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत वादियाँ रास्ते में पड़ी थी, हम आप लोगों के साथ में शेयर करना जा रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है दोस्तों, यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ की वनस्पति है बहुत ही खूबसूरत और ये हमारी गाड़ी इस तरीके से सजी हुई थी दोस्तों, आप देख सकते हैं। इस तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ता है जब आप लॉन्ग राइड के लिए चलते हैं। इवन हम लोग पंचर किट और हम लोग साथ में बहुत थक गए थी, बस कुछ ही घंटों में मुंबई पहुंच जाएंगे। अभी ऐसी इतनी मस्त लोकेशन एक ढाबा दिखा चाय पीने के लिए, तो लोकेशन आप देखिए कितनी बढ़िया है, हाईवे एकदम पास में। गाइस चलो अब निकलते हैं, चाय नाश्ता सब कुछ हो गया, फ्रेश हो गया माइंड एकदम एनर्जी में, चलो अब पहली फुर्सत में निकलते हैं चलो। तो फाइनली दोस्तों हम लोग नासिक होते हुए मुंबई शहर में एंट्री कर चुके हैं और ये आप मुंबई को देख सकते हैं, रात की रानी मुंबई रात भर जगती रहती है, कभी नहीं सोती है दोस्तों। यहाँ के फ्लाईओवर्स देखिए और ये हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं। अलविदा दोस्तों।